दिनांक 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को अंबेडकर पार्क तुलसी नगर सेकंड बस स्टॉप भोपाल में गुरुजी संयुक्त मोर्चा द्वारा दीपावली मिलन समारोह एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संयोजक गजेंद्र गुर्जर, राकेश पटेल, दुर्गेश पाटीदार, दलजीत कौर, हरिकृष्ण तिवारी, रणवीर जाट, केपी त्यागी, शिव नारायण मिश्रा, कमल परिहार, भगवान मुकाती। सर, आज हजारों संख्या में शिक्षक यहाँ पे एकत्रित हुए, दीपावली मिलन समारोह का नाम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपावली मिलन समारोह में अपनी मांगे भी सरकार सामने मनाना चाह रहे। ये कार्यक्रम हमारा जो दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम है, इससे पूर्व हमने मध्य प्रदेश के समस्त गुरुजियों को एक करके और हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 21 जनवरी 2018, उसका स्मरण कराने के लिए सितंबर में हमने कार्यक्रम शुरू किया, जो ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रहे, और उसके बाद 18 सितंबर को और उसके बाद में 25 सितंबर को जिला स्तरीय हमारे ज्ञापन कार्यक्रम रहे। इनमें भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को स्मरण कराने के लिए कार्यक्रम किए गए, बहुत ही शांतिपूर्ण, और सरकार हित में थी। हमारा कहीं से कोई उग्र आंदोलन न था और न आज है। हम केवल आज भी इसी उपलक्ष्य में सारे मध्य प्रदेश के 52 जिलों से गुरुजियों को एकत्रित करके दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा है। इसमें भी हमारी नियुक्ति दिनांक से वर्षता की मांग के आदेश कराए जाने के लिए हम स्मरण कार्यक्रम करा रहे हैं, और माननीय जी से हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि विगत दिनों में हमारे वो आदेश कराने की। राकेश पटेल, प्रांतीय संयोजक, गुरुजी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश। सर, किस बंदोरे का आज ये विशाल जनआंदोलन किया जा रहा है? आंदोलन नहीं है, ये तो एक दीपावली मिलन समारोह रखा है हमने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 21 जनवरी 2018 को, उसके आदेश जारी नहीं हो पाए, तो हमने विचार रखा कि सब गुरुजी एक साथ होकर दीपावली मिलन समारोह हो जाएगा, और इस मिलन समारोह के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये आ जाएगा कि इतने सारे गुरुजी मेरी घोषणा होने के बाद आदेश जारी नहीं होने से पीड़ित है, तो इसको देखते हुए वो आदेश जारी करें। और आप सबको मालूम है कि लोहा गरम है, मार तो हथौड़ा, चुनाव आने वाला है, तो हम सोचते हैं कि जो घोषणा की उसको लागू हो जाए, उसके लिए हम एकत्रित हैं। सर, क्या घोषणा की थी, क्या मांग है? 21 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के 2,80,000 शिक्षकों को, जो गुरु जी संविधान अध्यापक और शिक्षक कर्मी थे, उनका शिक्षा विभाग में सम्मिलन किया था, तो शिक्षा विभाग में हमारा सम्मिलन हो चुका है, उसका लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। उसी के साथ में उन्होंने एक घोषणा और की थी कि जिन गुरुजियों की नियुक्ति दिनांक है उस दिनांक से हम उनको वरिष्ठ मानेंगे और उसके आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे, लेकिन किसी कारण बस चुनाव आ गए, चुनाव आने के बाद सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद कहीं प्रोसेस नहीं हो पाई, तो हम लोगों ने मैसेज किया। मेरे मित्र गजेंद्र गुर्जर जी हैं, ये भी प्रांतीय संयोजक हैं, बहन दलजीत कौर जी हैं, कमल भाई हैं, दुर्गेश पाटीदार जी हैं, शिव नारायण जी हैं, हम लोगों ने आज 10 लोगों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया, इसको पूरे प्रदेश को एक करने का काम किया, और इस बहाने हम काम ये कर रहे हैं, और हमारा आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, पूरी आशा और विश्वास। उसी बात को लेकर के जो उनकी घोषणा हुई है, हम चाहते हैं घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करें, उसी बात को लेकर के मध्य प्रदेश के हर जिलों के गुरुजी यहां पर आज इकट्ठा हुए सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर भी आपकी बात को अनदेखा करते हुए चुनाव में असर मिलेगा? बिल्कुल असर हो सकता है। हमारे 28,000 गुरु जी हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है, और वो कहते भी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए,
तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी अपने वचन पर कायम रहेंगे और मृत्यु दिनांक स्वच्छता का आदेश जरूर देंगे। सर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में दूसरों की अच्छी मार पड़ रहती है वोटरों के बीच में, तो कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी नुकसान उठा सकती है, बात नहीं मानी जी, मैं समझा नहीं। सर गुरुजियों की ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़ रहती है, अच्छी पहचान रहती है, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि गुरुजियों की जो भर्ती हुई थी वो ग्रामीण क्षेत्र उसी गांव का जो निवासी था जिन्होंने 12वीं पास किया है उसी को उस समय जो नियम बने उसको गुरु जी बनाया है, तो आदमी स्थानीय आदमी है, स्थानीय गुरु जी है, तो निश्चित रूप से वो वोट में प्रभावित कर सकता है। सर नाम बता दीजिए। जी श्याम बैराग मंडला क्रांति सेवक गुरु जी संयुक्त मोर्चा आदरणीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने 21 जनवरी 2018 को घोषणा की थी कि हम आप लोगों को वरिष्ठता देखें, लेकिन आज दिनांक तक कोई आदेश प्रसारित नहीं हुए, इसलिए हम लोग दीपावली मिलन समारोह के अंतर्गत यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को स्मरण करवाने के लिए आप अपना वादा निभाएं। हम लोग जिस तरह का कार्य कर रहे हैं 1997 ऐसे कार्य कर रहे हैं, आप हमारा समय उसमें काउंट करें, हमारी वरिष्ठता दें, जितना हमने सेवा की है उतना हमारा साल गिन लें उससे, इसलिए एकत्रित हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं इस दीपावली मिलन समारोह के साथ आप स्मरण रखें कि जो आपने कहा है वह आपको पूरा करना होगा, हमारी गुरु जी को नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता देनी होगी, वह वरिष्ठता देनी होगी। प्रांतीय संयोजक, हमारा उद्देश्य मात्र सिर्फ ये कि हम सब मिलके एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा हुई है 2018 में कि गुरुजियों को उनको नियुक्ति दिलाने से वरिष्ठता दी जाए, बस उसका आदेश कराना है। हम उनके हित में हैं, उनके साथ हैं, उनके जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है उसी के तहत हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने घोषणा की है तो आदेश भी कराएं, और उसी के लिए आज दीपावली मिलन समारोह के उपलक्ष्य रखा गया है। उसी के साथ हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 28,000 गुरु जी जो है उनमें से हमारे साथी यहाँ एकत्र हो चुके हैं, हम लोग दीपावली मिलन समारोह के साथ साथ माननीय शिवराज जी से उनको स्मरण कराना चाहते हैं कि आपने घोषणा कर दी, हमारे हित में करी है, आदेश भी करें जिससे हमारा हित हो और हमारी ये जो 25 साल की पुरानी सेवा है उसको पूरा लाभ हम लोगों को मिले।